नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में आप सभी छात्र छात्राओं को फिर से एक नई जानकारी यहाँ पे हम बताना चाहेंगे। डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय सागर मध्य प्रदेश में एडमिशन सत्र 2023-24 के अंतर्गत ग्रेजुएशन की जो फर्स्ट काउंसलिंग है उसका जो शेड्यूल है यहाँ पे जारी हो चुका है। आपको किस डेट से किस डेट तक एडमिशन मिलने वाला है और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे लगने वाले हैं पूरी जानकारी यहाँ पे हम बताने वाले हैं। यहाँ पे आपको जानकारी दे दें, डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय सागर मध्य प्रदेश में एडमिशन सत्र 2023-24 के अंतर्गत अगर आपने सीयूटी एग्जाम क्लियर करने के बाद पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन किया था तो आपका यहाँ पे जो कट ऑफ लिस्ट है वो यहाँ पे जारी हो चुका है और जो मैट लिस्ट है वो भी यहाँ पे पोर्टल पर आ चुका है। तो आपने अपना मैट लिस्ट देख लिया होगा, अपना रैंक या जो स्कोर है वो चेक कर लिया होगा। इसके बाद किस डेट में आपको एडमिशन मिलेगा, किस डेट में जाकर आपको एडमिशन लेना है और क्या क्या डॉक्यूमेंट जो है यूनिवर्सिटी में लेकर जाना है तब आपका एडमिशन होगा। तो यहाँ पे जो शेड्यूल है वो आ चुका है। तो शेड्यूल के बारे में सबसे पहले हम आपको इन्फॉर्मेशन बताना चाहेंगे। इससे पहले हम आपको जानकारी दे दें, यहाँ पे यूजी की जो लिस्ट है जिसमें आपका स्कोर दिया गया है वो स्कोर आपको चेक करना है। स्कोर के हिसाब से ही आपको यहाँ पे फिर काउंसलिंग प्रवेश प्रक्रिया में भाग लेना है। तो सबसे पहले आप इस ऑप्शन पर जाकर अपना जो है स्कोर चेक कर सकते हैं। इसमें सबसे ग्रेजुएशन वाले जो छात्र हैं उनके लिए है। इसके बाद यहाँ पे पीजी यानी पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए हम अलग से इन्फॉर्मेशन दे देंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कोर्स की लिस्ट है। आपने जिस भी कोर्स के लिए आवेदन किया है उस कोर्स को आपको ओपन करना है। एग्जाम्पल के लिए सबसे पहले यहाँ पे बीए है, दूसरे नंबर पर यहाँ पे आपका बैचलर ऑफ बिजनेस का यहाँ पे कोर्स है। इसके बाद यहाँ पे बैचलर ऑफ कॉमर्स है यानी बीकॉम है। इसके बाद बीसीए है, फिर बीए फाइन आर्ट्स है। इसके बाद बैचलर ऑफ फार्मेसी है। इसके बाद बैचलर ऑफ साइंस बायो ग्रुप से बीएससी है, बायो ग्रुप से और मैथ ग्रुप से बीएससी है। फिर बीए एलएलबी है, फिर यहाँ पे आपका मैथ ग्रुप से बीएससी बीएड है और फिर बायोलॉजी ग्रुप से बीएससी बीएड है और लास्ट में आपका बीए ग्रुप से बीए बीएड है। इसके बाद यहाँ पे आप किसी भी एक में आप ऑप्शन पर क्लिक कर जो भी आपने आवेदन किया है उसको ओपन कर लेना है। यहाँ पे जाकर आपको आपका जो है स्कोर चेक कर लेना है। एग्जाम्पल के लिए जैसे कि ये यहाँ पे जो स्टूडेंट है उनका रजिस्ट्रेशन नंबर है, यहाँ पे उनका नाम दिया गया है। इसके बाद यहाँ पे उनका स्कोर दिया गया है। ये जो स्कोर यहाँ पे दिया गया है ए स्कोर आपको याद रखना है। इसका आप एक प्रिंट ले लें, जिस पेज पर आपका नाम है उस पेज का प्रिंट ले लें और ये स्कोर है, इस स्कोर के हिसाब से आपको काउंसलिंग में भाग लेना है। अब हम आगे चलते हैं और नेक्स्ट प्रोसेस पर चलते हैं। यहाँ पे हम वापस पोर्टल पर चलते हैं और यहाँ पे हम जो है जो शेड्यूल का पीडीएफ है उसे हम ओपन करेंगे और शेड्यूल के पीडीएफ में आपको किस डेट में एडमिशन लेने के लिए जाना है तो इसकी इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पे देख सकते हैं। ये शेड्यूल का लिंक है, आपको यहाँ पे कट ऑफ मार्क के ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे इस टाइप से पीडीएफ ओपन होगा। यहाँ पे जो कट ऑफ मार्क है यूजी काउंसलिंग शेड्यूल के लिए वो आ चुका है। कट ऑफ मार्क के हिसाब से आपको जो है यहाँ पे काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा और इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको यूनिवर्सिटी में लेकर जाना है तो इसकी भी यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन है वो दी गई है। आप देख सकते हैं यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स दिए गए हैं। सबसे पहले आपने जो एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया था वो एप्लीकेशन फॉर्म आपको यहाँ पे लेकर जाना है। आपको ओरिजिनल टीसी यानी ट्रांसफर सर्टिफिकेट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट और 10th की मार्कशीट डेट ऑफ बर्थ प्रूफ के लिए। इसके बाद इसके अलावा जो 12th की मार्कशीट है वो मार्कशीट आपको यहाँ पे लेके जानी है। इसके बाद यहाँ पे आपको जो रिजल्ट रुका हुआ है तो आप एक जो है अपना एप्लीकेशन या एफिडेविट बना सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे एससी एसटी ओबीसी कैटेगरी के लिए जो है कास्ट सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है जो कि डिजिटल वाला होगा, यानी आपका लोक सेवा केंद्र से बना हुआ या फिर डिजिटल बना हुआ सर्टिफिकेट यहाँ पे आपको ले जाना है। इसके बाद एससी एसटी ओबीसी के लिए यहाँ पे या जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए जो है इनकम सर्टिफिकेट होगा जो कि लास्ट 6 महीने से पुराना, अधिक पुराना नहीं होना चाहिए। इसके बाद यहाँ पे अगर आप विकलांग हैं तो उसका सर्टिफिकेट, एनसीसी एनएसएस किया हुआ है तो उसका सर्टिफिकेट लगेगा। 4 पासपोर्ट साइज फोटो आपको यहाँ पे ले जानी है। इसके बाद यहाँ पे आपको अपना समस्त फोटोग्राफी का के जो है सेट बनाना है, उसको सेल्फ अटेस्ट करना है। इसके बाद जो है सेल्फ सिग्नेचर जो है आपको, अगर आपका किसी भी प्रकार का गैप है, आपने 1 साल का 2 साल का गैप लिया है तो गैप सर्टिफिकेट एक नोटरी पर आपको गैप सर्टिफिकेट बनवाना होगा। तो ये इन्फॉर्मेशन है डॉक्यूमेंट की। इसके बाद यहाँ पे हम आ जाते हैं काउंसलिंग शेड्यूल पर। तो सबसे पहले यहाँ पे कट ऑफ लिस्ट के हिसाब से आपको जिस डेट में बुलाया जाएगा उस डेट और समय में आपको पहुंचना है। सबसे पहले बात करेंगे बीए बीएड की। तो जिन भी छात्रों ने बीए बीएड के लिए ऑनलाइन आवेदन किया है वो 16 अगस्त 2023 को, 16 अगस्त 2023 को जो है यूनिवर्सिटी जाएंगे, वहां पे अपना एडमिशन ले पाएंगे। उन्हें डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन
डॉक्टर ईश्वर विश्वविद्यालय सागर में जाना है, जो कि सुबह 9 बजे से, 9 बजे से जो स्टार्ट होगा, तो 9 बजे से सभी कैटेगरी के छात्रों को जाना है जो इनका अंक 300+ है, जिनका जो स्कोर कार्ड है 300+ है। यानी यहाँ पे जो स्कोर कार्ड अभी हमने बताया था, जैसे कि ये स्कोर कार्ड है इनका 441.837136, तो इनका जो है 300 से अधिक है, तो इन्हें जो है 16 अगस्त 2023 में सुबह 9 बजे इन्हें पहुंचना है, समस्त कैटेगरी के छात्रों को, SC ST OBC जनरल कैटेगरी के छात्रों को, और एडमिशन लेना है। इसके बाद जो 300 से कम अंक वाले छात्र हैं, उन्हें दोपहर 1 बजे के बाद आप उसी वहीं पे जाना है, उसी डिपार्टमेंट में जाना है और एडमिशन लेना है। एडमिशन के लिए उन्हें जो है EWS OBC SC और ST कैटेगरी के जो छात्र हैं उन्हें यहाँ पे बुलाया गया है, और EWS के जो छात्र हैं जिन्हें 238 नंबर से अधिक हैं वो जाएंगे, OBC में 238 नंबर के जो छात्र हैं वो जाएंगे, SC में 200 अंक जिन्हें मिले हैं वो जाएंगे, ST में 176 अंक वाले छात्र जो है 1 बजे के बाद जाएंगे। इसके बाद BFA यानी जो आपका बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स है, इसमें 16 अगस्त को आपको, 16 अगस्त 2023 को आपको UTD जाना है। इसमें डिपार्टमेंट ऑफ फाइन आर्ट्स का जो डिपार्टमेंट है उसमें पहुंचना है, और यहाँ पे समस्त कैटेगरी के जो छात्र हैं जिन्हें 253 अंक से अधिक प्राप्त हुए हैं वो 9 बजे पहुंचेंगे, सुबह 9 बजे पहुंचेंगे, और जिन छात्रों को EWS में 224 अंक हैं, OBC में 215 हैं, SC में 215 हैं और ST में 231 अंक हैं, वो यहाँ पे दोपहर 1 बजे UTD पहुंचेंगे और अपना एडमिशन कंफर्म कराएंगे। इसके बाद BCA का जो है, यहाँ पे BCA के जो छात्र हैं जिन्होंने BCA के लिए ऑनलाइन आवेदन किया है, वो 16 अगस्त 2023 को सुबह 9 बजे, समस्त कैटेगरी के छात्र हैं 223 नंबर, सॉरी 213 नंबर से ऊपर हैं, वो यहाँ पे पहुंचकर एडमिशन लेंगे। इसके बाद जो शेष बचे नंबर हैं जिनका यहाँ पे लिस्ट दिया गया है, वो दोपहर 1 बजे के बाद पहुंचेंगे। तो ये जो BCA के लिए है। इसके बाद बी फार्मा के लिए यहाँ पे आपको 16 अगस्त को यहाँ पे जाना है, 16 अगस्त 2023 को सुबह 9 बजे से, जिन छात्रों का समस्त कैटेगरी में 425 अंक से अधिक है वो यहाँ पे अपना डिपार्टमेंट ऑफ फार्मेसी के जो डिपार्टमेंट है वहां पे जाकर एडमिशन लेना है। इसके बाद जो शेष बचे 7 छात्र हैं, वो 17 अगस्त 2023 को जो है सुबह 9 बजे उसी डिपार्टमेंट में जाकर एडमिशन लेंगे। यहाँ पे अंकों का जो इन्फॉर्मेशन है वो दिया गया है उन अंकों के आधार पर। इसके बाद BSc BEd वाले जो छात्र हैं, BSc BEd जिन छात्रों ने बायोग्रुप से अप्लाई किया है, वो 17 अगस्त 2023 को जाएंगे सुबह 9 बजे से, जिनके अंक समस्त कैटेगरी में 360 सॉरी 340 से अधिक हैं, 340 से अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्र, चाहे वो SC ST OBC कैटेगरी के हों, वो 9 बजे पहुंचकर अपना एडमिशन कंफर्म कराएंगे डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन डॉक्टर ईश्वर विश्वविद्यालय सागर में। इसके बाद 17 अगस्त 2023 को दोपहर 1 बजे के बाद जो EWS में 248, OBC में 290, SC में 239 और ST में 221 नंबर से अधिक वाले जो छात्र हैं वो UTD जाएंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है BSc BEd मैथ ग्रुप। BSc BEd मैथ ग्रुप में 17 अगस्त को आपको जाना है, 17 अगस्त 2023 को आपकी काउंसलिंग होगी सुबह 9 बजे से। आपको 320 अंक वाले जो छात्र हैं, 320 अंक से अधिक अंक जिन छात्रों को मिले हैं वो पहुंचेंगे, और दोपहर 1 बजे के बाद जो है EWS में 285, OBC में 269 और SC में 226 और ST में 165 अंक वाले छात्र जो है, इससे अधिक अंक वाले छात्र जो है जाकर अपना एडमिशन कराएंगे। इसके बाद BA LLB वाले जो छात्र हैं, BA LLB वाले छात्र जो है 17 अगस्त 2023 को अपना सुबह 9 बजे से डिपार्टमेंट ऑफ लॉ डॉक्टर ईश्वर विश्वविद्यालय सागर के डिपार्टमेंट में जाकर एडमिशन लेंगे। इनका जो आल कैटेगरी के लिए रैंक है वो 285 से अधिक अंक वाले हैं। इसके बाद 18 अगस्त 2023 को सुबह 9 बजे से EWS 469, OBC 444, SC 404 और ST 320 अंक वाले जो छात्र हैं वो जाकर अपना एडमिशन कंफर्म कराएंगे। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है वो है हमारा BA। तो BA के जो छात्र हैं जिन्होंने BA में अप्लाई किया है, उनके लिए अलग अलग काउंसलिंग दी गई है। 21 अगस्त 2023 को सुबह 9 बजे 272+ अंक वाले जो छात्र हैं वो पहुंचेंगे। इनको जो यहाँ पे डिपार्टमेंट है वो है, यहाँ पे स्वर्ण जयंती हॉल में जाना है, वहां पे एडमिशन लेना है। फिर इसके बाद दोपहर 1 बजे के बाद 237 अंक से अधिक वाले छात्र जाएंगे,
फिर इसके बाद 22 अगस्त 2023 को सुबह 9 बजे 210 अंक वाले जो छात्र हैं, 200 अंक 10 210 से अंक ज्यादा हैं वो जाएंगे। फिर 1 बजे आपको 138 अंक प्लस हैं वो का छात्र जाएंगे। 23 अगस्त 2023 को जो है 160 अंक से अधिक जिन छात्रों के हैं वो यहाँ पे पहुंचेंगे। इसके बाद इसी टाइप से अलग अलग डेट दिए गए हैं, तो आप यहाँ पे डेट देख सकते हैं। इसके बाद जो है बीकॉम वाले छात्र हैं, बीकॉम वाले छात्र 21 अगस्त 2023 को जो है सुबह 9 बजे 325 अंकों से जिन छात्रों का अधिक है वो पहुंचेंगे, और दोपहर 1 के बाद 260 अंक वाले जो छात्र हैं वो पहुंचेंगे। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है बीकॉम, बीकॉम के लिए अलग अलग डेट दी गई है। 22 अगस्त दी गई है, 200 प्लस अंक वाले हैं। SEWS 78, OBC 57, SC 37 और ST में 107 मार्क्स वाले छात्र जाएंगे। इसके बाद 23 अगस्त को 9 बजे सुबह 9 बजे से समस्त छात्रों के लिए यहाँ पे बुलाया गया है। उन्हें कितने भी नंबर मिले हों, अगर रजिस्टर किया है तो वो सभी छात्र जाकर एडमिशन ले पाएंगे। तो इसके बाद जो हमारा शेष है वो है BSC बायोग्रुप। BSC बायोग्रुप का भी 21 अगस्त 2023 से है, और यहाँ पे जो इनका जो टाइम है वो सुबह 9 से है, और इनका जो मार्क्स है वो 313 है। 313 वाले जो छात्र हैं, 313 प्लस वाले जो छात्र हैं वो 21 अगस्त को जाएंगे सुबह 9 बजे, और 241 नंबर वाले जो छात्र हैं, 241 से ऊपर वाले छात्र हैं वो 21 अगस्त को दोपहर 1 बजे जाएंगे। इसके बाद 22 अगस्त को समस्त छात्र, समस्त कैटेगरी के जो छात्र हैं सुबह 9 बजे 193 अंक हैं जिनके, उससे अधिक अंक वाले जाएंगे। EWS में 145, OBC 145, SC 143 और ST 136, तो ये जो अंक हैं दोपहर 1 बजे के बाद जो है जाएंगे। इसके बाद इसी टाइप से आप जो है PDF देख सकते हैं, BSC मैथ ग्रुप का भी दिया गया है। तो ये PDF की लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से डायरेक्टली आप डाउनलोड कर सकते हैं और जो है UTD पहुंचकर अपना एडमिशन कंफर्म करा सकते हैं। डॉक्यूमेंट की लिस्ट हम ऊपर बता चुके हैं और इसमें भी दी गई है, तो आप जल्द से जल्दी जाकर अपना एडमिशन ले सकते हैं। अगर आपका डेट यहाँ पे निकल जाता है तो आप फिर नेक्स्ट डेट में जाएंगे तो आपको जो है रिक्त सीटें नहीं मिल सकती हैं।